दोस्तों दोस्तों दोस्तों, इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर शादियों में लोग अतरंगी और अजीबोगरीब कांड करते ही रहते हैं, क्योंकि इंडिया ही वो जगह है जहां पर कहीं तो बच्चों की शादियां हो रही हैं और कहीं पर 80-80 साल के बुड्ढों की। तो आपके एक सेकंड को भी बर्बाद ना करते हुए चलिए हम आपको दूल्हा दुल्हन और रिश्तेदारों के कुछ ऐसे कांड दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप अपना पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये कमाल का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर लड़की वाले और लड़के वालों के बीच में एक रस्म चल रही होती है जिसमें एक साइड तो लड़के वाले लड़की वालों को खींचते हैं अपनी तरफ और दूसरी साइड लड़के वाले लड़की वालों को खींचते हैं अपनी तरफ और इसी रस्म के चलते इनके साथ हो जाता है कांड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक रस्म चल रही होती है जहाँ पर दूल्हे के भाई को दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपनी गोद में उठाना होता है, लेकिन दूल्हे का भाई जैसे ही दूल्हा और दुल्हन को अपनी गोद में उठाता है उसके बाद तो भैया तुमने अकेले अकेले शादी कर ली, मेरी चंपा से शादी नहीं कराई, अभी बताता हूँ तुमको। अब दोस्तों आपने आज तक बहुत सी अजीबोगरीब दुल्हन देखी होंगी, लेकिन जरा एक बार इस दुल्हन से मिलिए जो कि अपने होने वाले हस्बैंड के साथ बैठकर एकदम मस्त सुट्टा फूंक रही है। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी दीदी। दोस्तों एक बार जरा इस वीडियो को देखिए जहाँ पर इन सरकारी नौकरी वाले अंकल जी की शादी होती है, वहीं पर एक रस्म चल रही होती है जिसमें दुल्हन को दूल्हे का झूठा खाना होता है और पहले तो दूल्हा चम्मच से खीर को खा लेता है, उसके बाद जब दुल्हन की बारी आती है उसके बाद तो दुल्हन अपनी माँ से मुंह बनाकर मना करती है, लेकिन इस दुल्हन की माँ इस दुल्हन को जबरदस्ती झूठी खीर खिला देती है जिसके बाद तो दुल्हन का कुछ ऐसा हाल है। कमबख्त तो इसीलिए बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई करो और आईएएस वाईएएस बनो, वरना सारा माल तो ये काले अंकल जी लूट के ले जाएंगे। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि शादी की जल्दबाजी बस दूल्हे को ही होती है, एक बार जरा इन मोहतरमा दुल्हन से मिलिए। मेरा दूल्हा आ गया क्या? नहीं आया अब तक यार, 8 बजे का बोल रहा था अब तक नहीं आया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब साथियों शादी में दोस्तों का दूल्हे के साथ कांड करना परम अधिकार है जिसको ये बड़ी ही श्रेष्ठता के साथ निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कमीना दोस्त आता है जो कि दूल्हा और दुल्हन को पैसे देने लगता है, लेकिन लगता है भाई साहब के पास एक ही नोट था, तभी तो ये एक ही नोट के 2 टुकड़े करके दोनों दूल्हा दुल्हन को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों शादी की खुशी हर एक दूल्हा दुल्हन को होती ही है, लेकिन एक बार जरा इन दूल्हा दुल्हन से मिलिए जिनको कुछ ज्यादा ही है। अब साथियों आपने आज तक दूल्हा दुल्हन को एक से एक अजीबोगरीब ड्रेस पहनते देखा होगा, लेकिन एक बार जरा इन दूल्हा दुल्हन से मिलिए जिन्होंने ड्रेस के नाम पर पूरे फूलों का बगीचा ही अपने ऊपर लपेट लिया। हे मेरे प्यारे दूल्हा और दुल्हन, आप अकल से थोड़े कच्चे हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या? अब दोस्तों जरा एक बार इस वीडियो को देखिए जो कि लॉकडाउन का है लेकिन काफी ज्यादा मजेदार है। दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए एक दूल्हे के पास आ जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि तुम अपनी बारात में कोरोना के टाइम पर परमिशन से डबल बरातियों को क्यों लेकर जा रहे हो। उसके बाद जरा इस दूल्हे राजा का जवाब सुनिए। कोरोना ये सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ आदमी को चूतिया बनाने का काम हो रहा है और कोई कोरोना का काम नहीं है। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। माइक धरो। कैसी लगी? आप साथियों अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त हो और वो ऐसा डांस करता हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया उसे शादी में ना बुलाए, वरना आपकी शादी में भवंडर सुनामी भूकंप भूचाल सब कुछ एक साथ आ जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब।